मोलर मास जैसे सिंधी में सची सको मोलर मायो इनकी डेफिनेशन दसूँ द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज इट्स रिलेटिव मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम। ठीक है, बी डेफिनेशन इनकी असि वाऊँ उन्हें बी डेफिनेशन थी सके थी द मोलर मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम्स। मतलब त जेकर असां कें भी सब्सटेंस को वन मोल खणूं उन जे मास के असां ग्राम्स में शो कयूं त उनके असां उन ही है सब्सटेंस जो मोलर मास चवंदासीं। एग्जांपल आ असां वटि हाइड्रोजन आ, हाइड्रोजन आ या कार्बन डाइऑक्साइड आ, ठीक है, या सोडियम क्लोराइड। हाने असां पहिरीं पढ़ी आया आहियूं मोलर मास कंहिं बि सब्सटेंस जो वन मोल हूंदो उनखे उन जेको ॼाणायल मास हूंदो। मसलन हाइड्रोजन जो ॼाणायल मास आहे 1 AMU, इनखे असां ग्राम्स में शो कयूं। हाणे हे जेको मास आहे ग्राम में ॼाणायल मास आहे माना असां ॾिठोसीं असां वटि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मौजूदु आहे। ठीकु आहे, हाणे उनजो जेको मास आहे 1 AMU जेको ग्राम्स में ॼाणायल मास आहे उहो के छा हूंदो? मोलर मास। हाणे मोलर मास खे असां जेकॾहिं यूनिट में मेयर कयूं उन मोलर मास जो यूनिट छा थींदो? ग्राम्स पर मोल, यानी उन हिकिड़े मोल में एतिरा ग्राम हूंदा, यानी हे इन जो छा हूंदो? मोलर मास। ठीकु आहे, हाणे जेकॾहिं असां वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जे बारे में ॾिसूं, वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाणे वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में उनजो मास घटो घणो हूंदो आहे? 44 ग्राम्स पर मोल। हे इन जो छा आहे? मोलर मास आहे। हाणे 44 ग्राम्स कीअं आयो? मां तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो हुओ मॉलिक्यूलर मास में द सम ऑफ एटम मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, यानी कंहिं भी कंपाउंड जे मौजूदु जेको कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल आहे उनमें जेके एटम आहिनि कहिड़ा कहिड़ा एटम आहिनि? कार्बन आहे, ऑक्सीजन, कार्बन हिकिड़ो, ऑक्सीजन ॿ, कार्बन हिकिड़े एटम जो मास आहे 12 AMU, ऑक्सीजन जा ॿ एटम आहिनि, ऑक्सीजन जे हिकिड़े एटम जो मास 16 आहे, ॿियनि जो थींदो 32। त हिन ॿिन्ही खे असां एड कंदासीं असांजो जवाबु मिलंदो 44 AMU। सो जेकर असां हिते पढ़ियो आहे मोल, छा पढ़ियो आहे असां हिते? मोल। मोल जे बारे में मां तव्हांखे पहिरीं ॿुधाए छॾियो हुयो माना द एटम मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम्स त इज कॉल्ड मोल। जेकॾहिं कंहिं बि एटम जे एटमिक मास खे असां ग्राम्स में शो कयूं उहो उनजो छा जे बराबरि आहे? उहो हिकु मोल जे बराबरि आहे। यानि कंहिं बि शइ में कंहिं बि सब्सटेंस एलिमेंट आहे मॉलिक्यूल आहे आयन आहे का बि शइ आहे हाणे उनजो जेको मास ॼाणियल मास आहे उन में उनखे ग्राम्स में कन्वर्ट कयासीं उहो उनजो ग्राम्स में ॼाणायल मास उहो हिकु मोल जे बराबरि थींदो खणी उनजो कहिड़ो कहिड़ो बि मास हुजे यानी हर हिकु एलिमेंट जो हर हिकु मॉलिक्यूल जो पंहिंजो पंहिंजो अलॻि मास हूंदो। त जेकॾहिं एग्ज़ाम्पल मां तव्हांखे ॾियां वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, जेकॾहिं वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड आहे त उनजो मास घणो थींदो? 58.5 ग्राम्स। ठीकु आहे, जेकॾहिं मां ॾिसां वन मोल ऑफ सोडियम आयन्स, वन मोल ऑफ सोडियम आयन्स या वरी वन मोल ऑफ क्लोराइड आयन्स। ठीकु आहे, यानी जीअं असां ख़बर आहे
इन जे हिकड़े मोल में 6.02×10^23 पार्टिकल्स हैं ना, हिकड़े मोल में सोडियम जा सोडियम क्लोराइड जा 6.02 पार्टिकल्स हैं। तो अड़े तरीके से सोडियम आयन जा वन मोल ऑफ सोडियम में उन जा पार्टिकल केतरा हुआ 6.02×10^23। वन मोल ऑफ क्लोराइड आयन्स में उन पार्टिकल्स केतरा हुआ 6.02×10^23। ठीक है, तो अड़े तरीके से मैं बुधा कें भी सब्सटेंस जो एकड़ो मोल उन जो जानल मास ग्राम में मास जो हो यानी कें भी सब्सटेंस के एकड़े मोल जो जानल में ग्राम्स में जानल मास के अस मोलर मास चवे। सोडियम क्लोराइड आ उन जो जानल मास 58.5 यानी सोडियम क्लोराइड वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में उनको जो ग्राम्स में जानल मास हों वो हों 58.5 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, हाँ ग्राम्स पर मोल अस छो था दूँ यो इन जो मोलर मास के जानल जो एकड़ो यूनिट आ। सही है, माना मोलर मास हों मोलर मायो जो मोल आ कें सब्सटेंस के मोल जो ग्राम्स में जान माए के अस मोलर मास कहते। ठीक है, अमोनिया जो अस अमोनिया है तो NH3 आ अमोनिया। हाँ इन मोलर मास मालूम ये कहे पैं जो अमोनिया में जो भी एटम्स उनके एटम मास कैलकुलेट क्यों उनके एटम मास कैलकुलेट की कहें NH नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन टे। ठीक है, नाइट्रोजन एक जो मास आ 14 AMU हाइड्रोजन टे उनको मास आ 3 AMU हाइड्रोजन के एक एटम जो मास एकड़ो आ तो टे एटम्स से तो इन टे तो जवाब इंद 17 AMU। ठीक है, हाँ अमोनिया जो मास आ मालिकुलर मास आ 17 हाँ इन मालिकुलर मास के अस ग्राम में कन्वर्ट क्यों 17 ग्राम्स पर मोल यो इन जो मोलर मास है। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट एवोगैड्रोज नंबर। दिस नंबर दिस कांस्टेंट नंबर वाज गिवन बाय एन इटालियन साइंटिस्ट अमेडो एवोगैड्रो 1776 सो डेफिनेशन खा पे मैं बुधाई हल तो पे मैं एग्जाम्पल बुझा माना मोल पढ़ो मोल का बाद में मैं एग्जाम्पल बुझा तो जैसे असटे कंस्टेंट यूनिट अस यूज था क्यों डजन अस यो दिसी इन वन डजन हाउ मच थिंग्स आर कंप्राइज़ यानि उन एकड़े डजन में केतरी शूं अची थी वन। ठीक है, माना एक डजन में अकॉर्डिंग टू माना 12 थिंग्स अची थी वन। ठीक है, सो अड़े तरीके से एवोगैड्रो भी एकड़ो नंबर आ A mole of any substance always contain the same number of particles. वो particles केड़ा हुंदा? Atoms, ions, molecules or formula units or compounds. Irrespective of its state, date is 6.0×10^23 particles. यानि कें भी सब्सटेंस जो हिकड़ो मोल खणंदासीं उनजे हिकड़े मोल में उनको कॉन्स्टेंट नंबर जानल आ तो उनमें केतरा पार्टिकल्स हों 6.02×10^23 तो जी अस पढ़ो आ वन डजन हाउ मच थिंग्स आर इन्वॉल्व इन 12 थिंग्स यानि जर अस चूं था आई वॉन्ट टू बाय वन डजन एग माना मां मुख्य एक डजन
आना खपन उन्होंने लिए उनमें केतर शौजूद होंद 12 वन डजन बनानास यानी उनमें 12 जो अदद शौजूद हों अड़े तरीके से कें भी सबस्टेंस के एक मोल में उनमें हमेशा एटम्स आयंस मालिक्यूल्स या कंपाउंड्स या फार्मूला यूनिट्स जो तैदाद कॉन्स्टेंट हों कड़ो तैदाद हों 6.02 इन 10^3 यानी इन वन मोल ऑफ एनी सबस्टेंस यानी को भी सबस्टेंस हों उनको वन मोल खी तो उनमें 6.02 इन 10^23 पार्टिकल्स मौजूद हों पार्टिकल्स एटम्स आयंस मालिकल ठीक है इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्टेट्स भले वह उनकी कड़ी भी स्टेट हुए लिक्विड हुए सॉलिड हुए गैस स्टेट हुए ठीक है पर उनमें कें भी सबस्टेंस जो मोल खी तो उनमें उनको सबस्टेंस जो तैदाद इक्वल हों या एक जड़ो एक जितो ही हों तो अड़े तरीके से का भी शे डजन में जो वर्ड इस्तेमाल क्यों डजन मतलब तो उनमें 12 शूँ मौजूद होंद अची थी वन तो अड़े तरीके से कें भी सबस्टेंस जो मोल जो नालो वे तो अस एग्जैक्टली समझासी तो उनमें केतरा पार्टिकल्स हों 6.02 इन 10^23 हाँ ये जो नंबर दिनो वो बाय अमेरो एवोगेड्रो ठीक है हाँ इन नंबर के असा चवंदा एवोगेड्रोस नंबर हाँ इनके सिंबोलिकली क्या लिखबो एन ए मतलब एन ए नंबर एवोगेड्रो नंबर के जाहिर करने जो माना निशानी आ तो फॉर एग्जाम्पल जो अस कार्बन एलिमेंट आ ठीक है हाँ कार्बन एलिमेंट आ उनको एटॉमिक मास उनके ग्राम्स में जानायो वो एक मोल के बराबर थी ठीक है हाँ उनके एक मोल में केतरा एटम्स हों कार्बन जहाँ 6.02 × 10^23 एटम्स ऑफ कार्बन ठीक है हाँ जो अस एग्जाम्पल आ कार्बन डाइऑक्साइड था खड़ा उनको मालिकुलर मास 44 amu उनके अस ग्राम्स में जानी 44 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल ठीक है हाँ उनके कें भी इनके एक मोल में भी एतरो ही तैदाद हों केतरो हों 6.02 इन 10^23 मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है पर जो इतनी बी गाल हाँ मां तो चव 2 moles ऑफ वाटर 2 moles ऑफ वाटर हाँ असें खबर आ जैसा 1 mole ऑफ वाटर था खूँ 1 mole ऑफ वाटर खूँ था उनमें 6.02 इन 10^23 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर हों ना तो जो अस मोल वाटर जन 2 moles ऑफ वाटर है ना तो उनका तैदाद केतरो हों उनके 2 से मल्टीप्लाई कर 2 के मल्टीप्लाई कर 6.02 इन 10^23 ठीक है हाँ इन जवाब अचन खपे 12.05 इन 10^23 23 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी 6 माना वाटर के एक मालिक्यूल मोल में वाटर के एक मोल में 6.02 इन 10^23 वाटर मालिक्यूल है ना जैसे वाटर जहाँ 2 mole हों तो उनके 2 के मल्टीप्लाई कर 6.02 इन 10^23 से जवाब मिल 12.04 इन 10^23 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद हों मालिक वाटर के 2 mole में ठीक है हाँ जैसे अस एग्जाम्पल आ
हाँ इतने मैं तीस कार्बन जो एकड़ो मोल आ तो उनमें 6.02 आ कार्बन जो असटे 3 मोल्स ऑफ कार्बन है तो उनमें उनको एटम जो तैदाद केतरो 3 × 6.02 × 10^23 यानि 3 × 6.02 से मल्टीप्लाई कौ तो जो जवाब इंद वो उनको माना 18.06 × 10^23 कार्बन एटम्स 3 मोल्स ऑफ कार्बन में मौजूद होना ठीक है। यानी ही जो एवोगेड्रो के बारे में असें इटालियन साइंटिस्ट अमेरो एवोगेड्रो कॉन्सेप्ट दिनों।